ना खुफिया खुफिया एरियाज हैं हमारे यहाँ पे, जैसे ये दो सीट्स हैं ठीक है इस बेडरूम के सामने, ये है इनका वॉशरूम। ये लॉक हो रहा है, हम जरा पूल साइड तक जा रहे हैं, लंच लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक। ऐसे ही तो मुझे पिछले जन्म में लॉक करके रखते थे ना, यही कमरा था वो, ये देखिए। और इनका नाम था बनाई सिंह, यही था अंकुश बनाई सिंह 1815। ये रहे हमारे बनाई सिंह। हाँ, रिक्रिएशन की पूरी इंतजाम है। वाओ, काशु फर्स्ट टाइम ये राजस्थानी टाइप उसमें आई है। अब आई प्रेजेंट यू द अल्टीमेट व्यू, कम ऑन। हाय मेरा बच्चा, वो रही काशु, आपको दिख रही होगी पीछे पूल के पास, ऑल एक्साइटेड। पर अभी बच्चे कोरोना के चक्कर में नहीं जाने दे रहे। एकदम चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, कांट वेट नाउ टू ईट समथिंग, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट। मेरे को भी तेज भूख लगी है, चलो तो देखते हैं कमाल का मेरा बर्गर। अंकल से पूछते हैं कहाँ पे है। अंकल मेरा बर्गर कब आएगा? अभी बन रहा है। ठीक है, मेरे को भूख लगी हुई है। ओए ओह माय गॉड, काश इसको प्लग कर दो, प्लग कर दो। काशु जस्ट फाउंड अ क्यूट लिटिल डॉग। Aww. He likes you. You happy? Please ask uncle where can we wash hands? तो यार हम हो गए थे लेट और हम कहीं बीच के टाइम में पहुंचे हैं, 3 बजे के करीब, तो इनका लंच हो जाता है बंद। तो अब हमें स्नैक्स टाइप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, पार्टी रोल वगैरह। ज़्यादा एलैबोरेटिव मेन्यू नहीं है इनका खाने का, तो अभी और एक घंटे में बस चाय का जो है हमारे पैकेज में टी टाइम शुरू हो जाएगा, उसमें पकौड़े भी हैं, देखते हैं तब तक भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो भाई काशु का बर्गर की वेट हो रही है अब, और कोई टच नहीं करेगा जब तक काशु का बर्गर नहीं आएगा। मैंने गलती से एक बाइट खा लिया, वो भी छोड़ दिया अभी। यार मैंने काशु को आइडिया दिया था कि आइसक्रीम में फ्रेंच फ्राई डुबा के खाओ, अभी वही कर ही आ रही है तब से। मैंने सिर्फ आइडिया दिया था, करने को नहीं बोला था। यम्मी निकला, यम्मी निकला। चलो बढ़िया खाओ। अरे ये तो वीडियो बन गया काश भी। यार इतना सही भी हुआ ना, और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, अभी हवा शुरू हो चुकी है, अब ह्यूमिडिटी नहीं है ज़्यादा। काशवी आपकी एक अच्छी सी फोटो लेते हैं। यार इसके पैलेस में आते ही ना नखरे बढ़ गए हैं। अरे सॉरी महारानी, आई कैन। अच्छा यू आर बिकमिंग द सर्वेंट। ओके, आई एम द परमानेंट सर्वेंट। ओके, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? आई एम लॉकिंग द रूम मैडम। तो यार अभी काशु है भैया के साथ पूल वाले साइड पे, और मैं और मंशा अपना कोक पी रहे हैं, और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर जगह पे लेके जा रहा हूँ। पास में ना ऊपर जाने का रास्ता है, कोई गुप्त रास्ता है ये, कोई ये देख मंशा। और अभी इफ व्हाट इफ वी गो देयर, ऊपर से और से व्यू आएगा ना, चलें। इज इट अलाउड? चला। महारानी साहिबा पधारिए। तो मेरी क्वीन तो आ गई है, आ जा भाई। वाओ,
आज तो हमारी किस्मत भी अच्छी है ऐसी कि वेदर ही बहुत अच्छा है और मतलब आप सामने देख ही सकते हो आगे सन जो क्लाउड्स में से निकल रहे हैं एवरीथिंग। फिर आज आने का हमारा पर्पज़ था कि यार थोड़ा सा सिटी लाइफ से थोड़ा दूर आके ना थोड़ा अच्छा सा व्यू मिल जाए और वेदर अच्छा मिल जाए, जो कि लकीली दे ही दिया हमें भगवान ने। काशवी क्या कर रहे हो आप? आ गई दोनों मेरी लाइफ की महारानियां, ये एक मंचा है और एक अंकुश है। लड़ाई करो, चलो जल्दी से लड़ाई करनी है भाई, मंचा अंकुश हमेशा लड़ते हैं। अरे ये तो गलत हो रहा है यार। यार देखो मच्छर काटने के बाद इसने स्क्रैच कर दिया। चलो यार अभी जा रहे हैं काशू को ओडोमॉस लगवाने। ये मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट लग रहा है, ये नीचे मंचा और काशवी हैं, उनको एक डॉगी मिल गया। इन लोगों को भी बुला लिया मैंने यहाँ पे। काशवी कैट द क्लाउड, इट्स ऑरेंज स्काई। यहाँ बैठने की भी जगह है, सब कुछ है। ये जगह बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे, लेकिन यहाँ व्यू बहुत बढ़िया था। अभी तूने मिस कर दिया बट स्टिल अभी भी है। क्या हुआ काशवी? यार काशवी को कुछ दिखा था, पता नहीं क्या दिखा था, बट अब वो चला गया। अब काशवी ने मुझे डरा दिया। गाड़ी की चाबी गुम गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं कहाँ रखी गई है, सब ढूंढ रहे हैं लगे हुए हैं। तो यार चाबी मिल चुकी है, बहुत टेंशन हो गई थी हमें, कुरकुरे के लिफाफे के पीछे थी। आई डोंट नो कैसे, और अगर मिलती नहीं तो हम तो इधर ही देते हैं, मजा हो जाता है। हमने खाना खा लिया भाई, चाबी मिल गई इसको, ये खुश है भाई, आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। ये देखो यार, ये है चैन, चाबी मिलने का चैन कहते हैं इसको। और ये कॉम्बिनेशन देखो, क्या हुआ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आपका जूस बना के पीना है। ठीक है, मैं मिक्सी ऑन करती हूँ और हेलो। मेरा ऑरेंज जूस कब आएगा? काशू ने अपना एक्सप्लिसिट ऑर्डर करवाया है। आ गए हम डिनर करके, वापस आ रहे हैं और रूम में जा रहे हैं अपना आराम से। यहाँ कॉमन रूम में कैरम वगैरह लूडो वगैरह खेलेंगे। मॉर्निंग एवरीवन, काशु और भैया तो सो रहे हैं, मैंने इसको उठा दिया। मैंने कहा चल यार सुबह सुबह एक्सप्लोर करते हैं, देखते कैसा लगता है। रात का व्यू तो और शाम का व्यू देख लिया हमने। तो यार ये है यहाँ से सुबह का व्यू। रूम में हो गया था पानी ख़त्म, अभी बंदे को उठाया है दरवाज़ा खटखटा के। हमने कहा यार दो कप में गर्म पानी लेके आ, कॉफ़ी पड़ी है हमारे पास, ये मैं अपनी लेके आया था घर से। पूरे फोर्ट में लगता है सिर्फ हम दोनों ही हैं। और आज शायद संडे था, कल आज तो मंडे है खैर, इसीलिए ना ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मतलब गिने चुने हमें चार पांच फैमिलीज ही दिख रही थी रात को भी। ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड नहीं था, जो कि अच्छी बात है आज कल के दिनों में। तो यार अब हम जाने वाले हैं, रेडी हो चुके हैं, हमने चेकआउट के लिए फोन कर दिया है, वो बिल प्रिपेयर कर रहे हैं। और काशू का, अरे वाह पिजन दिखा रहे हो, उड़ गया। और काशू का टीथ हिल रहा है अभी भी, काशू दिखाओगे अच्छे से, और बहुत ज्यादा हिलने लग गया। नहीं हो सकता है मेरे टंग से, दिखाओ अभी, देखते हैं कब निकलेगा ये। तो यार टाइम आ गया अब गुड बाय कहने का नीमराना को। एक दिन का स्टे था लेकिन काफ़ी इन्जॉय किया हमने, तो चलो अब हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत गुप्त गुप्त सी सीढ़ियाँ हैं, आप अगर आएंगे तो आप भी एक्सप्लोर करना। आई वुड से मैं अभी नहीं बताता, थोड़ा एक फन फैक्टर रहता है हमेशा। चलो यार हो गई अब वापसी शुरू,
बच्चा तो पहुंच गया आगे तक। चलो ये ले भाई। ओके भैया थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी। अच्छा कमरा तो देख ही लिया होगा आप सबने, पीछे आ गए घर सही सलामत इन वन पीस, और बड़ा मज़ा आया। अब ये मैं एडिटिंग करूँगा एक दो दिन में, फिर डालते हैं। हाँ भाई व्यू बहुत अच्छा है तेरा, पता है ना ये हवेली टाइप है, मतलब फोर्ट है। हाँ हाँ तो यहाँ किसी रानी की आत्मा भी होगी यार, व्यू देख यार कितना बढ़िया है यार, awesome। मेरे तो गांव में जाने का मन कर रहा है। हाँ ये क्या हिल रहा है मेरे ऊपर, ओ भागो यहाँ से, भूतनी आ गई यार। ये भूतनी पर बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश है यार। नहीं अंकुश, ओए ओए कूद मत जाइयो हमारे ऊपर, ड्रीम ड्रीम चामुंडा